अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ मैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम वाला है, बड़ा कर्म वाला है। जो करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं होता है, करने करते हैं अल्लाह पाक। ठीक है, ये हम लोग ने पहला सीजन रखी है कौसा गांव फाउंडेशन, और उसका प्राइस है, फर्स्ट प्राइस है 3 लाख रुपया, सेकेंड है 1.5 लाख रुपया, और ग्रामीण का है 1 लाख कुछ है 75, और खाली 75,000 है। उसके अंदर बाइक भी है और साइकिल वगैरह है। कितनी टीम है इधर? 32 टीम है। बिल्कुल, कहाँ कहाँ से आई है? यहाँ से अपने ग्रामीण के जो इधर के आसपास के है, और वो राजस्थान, दिल्ली, आजमगढ़, ये साइड से सब तरह से आई है, और इंडिया से आई। क्रिकेट टूर्नामेंट को रखने का क्या मकसद क्या है? ये क्रिकेट टूर्नामेंट का रखने का मतलब है कि एक जुड़ जावे जो हमारे आवाम है वो जुड़ जावे। आज जो नशे की हालत चल रही है उसको हमको छोड़ना चाहते हैं हम लोग। हमारे जो जवान तबका जो नशे के अंदर मुक्त है उसको हम लोग देखते हैं क्या, जैसे खेल में आवे, स्पोर्ट में लग जावे, और उसके अंदर ये सब ध्यान से भटक जाए। बोले तो ये जो अभी मोबाइल के जो ये चल रहा है, ये दौड़ चल रहा है, हर एक बच्चा सुस्त गिरा है। हर स्पोर्ट्समैनशिप भी उनके अंदर पैदा करना चाहते हैं। हाँ, उसके अंदर स्पोर्ट के अंदर आ जाए, तंदुरुस्त आवे, और हमारी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी फेल ना हो जाए। जैसा हमें कैसा लगता है कि आज हम लोग का टाइम गया, उस टाइम पे हमारे दौर पे मोबाइल वगैरह नहीं थी, ना ये नशे की हालत थी। हम लोग क्रिकेट वगैरह करते थे, कबड्डी खेलते थे, जो भी करते थे हम लोग का अच्छा करते थे, वो था। तो अभी ये हमारा यही मकसद है कि हम लोग इसके अंदर स्पोर्ट के अंदर आवे, हमारी जो जवान तबका है वो करे। नहीं, इसका वो ये है कि एक को बुलाए तो दूसरा नाराज हुए उसके अंदर। वो हम लोग नाइतफाकी नहीं चाहते है, ताकि मन दुख ना हो लोगों को। आपका बोलना है कि खेल जो है वो लोगों को जोड़ता है? जोड़ता है, स्पोर्ट्स आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, बेशक इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही बड़े पैमाने पे ये टूर्नामेंट रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग टोटल 32 टीम्स है, जिसमें हमने इन 32 टीम्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया है। 16 टीम ग्रामीण विभाग से खेलेगी, और 16 टीम को हम लोगों ने 8 तालुका हाफ में खिलाएंगे और 8 ओपन हाफ में। इस तरह से दो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, एक्चुअली एक ही टूर्नामेंट में दो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जो ग्रामीण भाग का एक टूर्नामेंट होगा और एक ओपन हाफ का टूर्नामेंट होगा। ओपन हाफ का जो टूर्नामेंट है उसमें हमने फर्स्ट प्राइस 3 लाख रुपीज़ रखा है, सेकेंड प्राइस 1,50,000, प्लस ट्रॉफीज़ है, मैन ऑफ द सीरीज़ में बाइक्स रखे गए, और भी कई प्राइजेज है, साइकिल्स वगैरह है, शूज़ है, जो खिलाड़ी जिस तरह का परफॉर्मेंस देगा उसके हिसाब से ट्रॉफीज़ वगैरह है, काफ़ी प्राइजेज है। सिमिलरली ग्रामीण में हमने फर्स्ट प्राइस 1.5 लाख रुपीज़ रखे हैं, सेकेंड प्राइस 75,000 रुपीज़ है, एंड मैनी मोर ट्रॉफीज़ एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। और ग्रामीण में भी हमने मैन ऑफ द सीरीज़ बाइक और साइकिल्स वगैरह ये सब इनामात रखे हैं। और जैसे कि नासिर खान बुबेरे साहब ने कहा कि क्रिकेट जो है इससे हम लोग यूथ्स में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जगाना चाहते हैं, जिससे के जो लोग नशे की तरफ मुतवजा हो रहे हुए खेल कूद को देखकर वो भी इस तरफ आ जाए, और नशे की जो आज मतलब मामलात बढ़ते जा रहे हैं हमारे शहर में, उसको ख़त्म करने की एक अच्छी कोशिश है, सभी लोगों को एक तरफ ला के जोड़ने की कोशिश है। और कौसा गांव की तरफ से कई सालों बाद एक बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है। इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीज़न हर साल चलता रहेगा इसी तरह से, और हर बार हर नया सीज़न हमारा और ज़्यादा बड़े पैमाने पे हुआ करेगा इंशाल्लाह। और हम लोग आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी दुआ कीजिए इस टूर्नामेंट के कामयाबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नासिर भाई, नाजिम भाई और कौसा गांव के तमाम नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर नासिर भाई ने हम सबको इकट्ठा करके ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया है। और इसमें नासिर भाई के साथ साथ कौसा गांव के तमाम जो नौजवान बच्चे हैं, उन लोगों ने कई दिनों से मेहनत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ क्या इंशाल्लाह ये कामयाब हो टूर्नामेंट, और आगे चल के ऐसे टूर्नामेंट हमारा गांव फिर से रखे इंशाल्लाह।